नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा सातवीं की हिंदी पाठ्य पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के 30वें अध्याय महाभारत के चौथा, पांचवा और छठा दिन इस अध्याय को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले हमने महाभारत के पहला, दूसरा और तीसरा दिन इस अध्याय को पढ़ लिया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे महाभारत का चौथा, पांचवा और छठा दिन। शंख बजा और लड़ाई शुरू हो गई। शल्य का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना ना रहा। वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक ना सकी। सेना को विह्वल होती देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित हृदय से बैठ गया। उसकी आंखें भर आई। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। वहां का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते थे। वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था तो वह कुछ कह सुनकर अपना शोक हल्का कर लेते थे। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर से युद्ध के लिए सज्जित हो गई। लड़ाई शुरू हुई। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर का जय जयकार कर उठे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चले गए। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जनहानि बड़ी तादाद में होने लगी, पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा और अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ में गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चला। सूरज डूबने ही वाला था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। उनकी खुशी की सीमा ना थी। इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।